Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Hi, I'm Anubhuti और आप हैं CoinSwitch के YouTube चैनल पर। क्या आपको भी लगता है कि सब मार्केट्स कुछ बड़े लोग चला रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं। आज से ऑलमोस्ट 150 साल पहले पैदा हुए रिचर्ड वाइकॉफ को भी यही लगता था। उनका मानना था कि हर फाइनेंशियल मार्केट्स में कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनकी ट्रेडिंग को समझ जाएं तो हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स को फायदा होगा। उन्होंने काफी स्टडीज करके वाइकॉफ मेथड बनाया, जो एग्जैक्टली यही करने में हेल्प करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे रिचर्ड वाइकॉफ कौन थे और उनका बनाया हुआ वाइकॉफ मेथड क्या है। आपको वाइकॉफ मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बताएंगे और एग्जांपल से देखेंगे कि ये बिटकॉइन पे काम करते भी हैं या नहीं। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, रिचर्ड वाइकॉफ उन लोगों पे नाराज होते हैं जो पहले ही CoinSwitch के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब इतने बड़े आदमी को क्यों नाराज करना? इसलिए नहीं किया तो अभी पहले ही सब्सक्राइब करके बेल बजा दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड वाइकॉफ 1873 में पैदा हुए और उन्हें स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े रिसर्चर्स में से एक माना जाता है। वाइकॉफ ने जिंदगी का ज्यादातर टाइम पढ़ाने में बिताया और आज के जमाने के टेक्निकल एनालिसिस को बनाने में उनकी रिसर्च का इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए उन्हें टेक्निकल एनालिसिस के सबसे बड़े लोगों की लिस्ट में डाओ, गान और एलियट जैसे फेमस ट्रेडर्स के साथ रखा जाता है। वाइकॉफ ने अपनी रिसर्च स्टॉक मार्केट में की थी, पर अब उसे हर टाइप के मार्केट में यूज किया जाता है। क्रिप्टो में भी काफी लोग वाइकॉफ की स्टडी को यूज करते हैं। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस का नाम पहली बार सुना है तो कोई बात नहीं, हमने उस पे एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आप बाद में यहाँ से देख सकते हैं। अभी के लिए वाइकॉफ की ट्रेडिंग टेक्निक्स जानते हैं। वैसे तो वाइकॉफ ने डिटेल रिसर्च करके बहुत टाइप की ट्रेडिंग टेक्निक्स और थ्योरीज बनाई, लेकिन उनमें सबसे फेमस है वाइकॉफ मेथड। तो चलो इसके बारे में पता करते हैं। वाइकॉफ मेथड को रिचर्ड वाइकॉफ ने 1930s में बनाया था। इसमें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत तरह की स्ट्रेटजीज और पैटर्न्स होते हैं जिससे मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वाइकॉफ ने अपनी टेक्निक्स को इजीली समझाने के लिए कॉम्पोजिट मैन का कॉन्सेप्ट बनाया। कॉम्पोजिट मैन एक्चुअली कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक इमेजिनरी आदमी है जिसकी हेल्प से वाइकॉफ मार्केट को स्टडी करते थे। उनका कहना था कि हम स्टॉक मार्केट को ऐसे स्टडी करना चाहिए जैसे कोई एक ही आदमी उसे चला रहा हो, उससे मार्केट के ट्रेंड समझना इजी हो जाएगा। रियलिटी में कोई भी एक आदमी किसी मार्केट को नहीं चला सकता, लेकिन ऐसा अज्यूम करने से रिसर्च इजी हो जाएगी। कॉम्पोजिट मैन मार्केट के सबसे बड़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बहुत अमीर लोग या फिर बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वाइकॉफ मानते हैं कि कॉम्पोजिट मैन हमेशा अपने ही फायदे का सोचता है, ताकि वो दूसरों से पहले कम प्राइस में बाय कर पाए और सबसे पहले महंगे में बेचे। कॉम्पोजिट मैन हम सबसे उल्टा सोचता और काम करता है। छोटे इन्वेस्टर्स यूजली सबसे खराब टाइम पे बाय और सेल करते हैं, और उसी टाइम कॉम्पोजिट मैन बड़ा प्रॉफिट कमाता है। इसलिए वाइकॉफ मानते थे कि कॉम्पोजिट मैन को समझना प्रॉफिट्स कमाने के लिए जरूरी है। इस मेथड की खास बात यह है कि ऑलमोस्ट 100 साल बाद भी ये रेलेवेंट है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट भी वैसे ही काम करता है जैसे तब के मार्केट्स करते थे। वाइकॉफ कॉम्पोजिट मैन के कॉन्सेप्ट से मार्केट साइकिल समझते हैं और उसमें उनके खुद के बनाए पैटर्न्स लगाते थे। उनकी रिसर्च के हिसाब से सब मार्केट साइकिल्स में चार पार्ट्स होते हैं, अक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन और डाउन ट्रेंड। तो चलो इन चारों को भी जान लेते हैं। अक्यूमुलेशन फेज में कॉम्पोजिट मैन बाकी लोगों से पहले क्रिप्टो खरीद लेता है। ये वो टाइम होता है जब इस क्रिप्टो की ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे होते हैं, उनके बारे में मार्केट में कोई हाइप नहीं है। कॉम्पोजिट मैन धीरे धीरे क्रिप्टो बाय करता है ताकि प्राइस पे बड़ा असर ना पड़े। अक्यूमुलेशन में यूजली मार्केट साइडवेज होता है, मतलब एक छोटी प्राइस रेंज में घूमता रहता है। अप ट्रेंड फेज तब शुरू होता है जब कॉम्पोजिट मैन काफी कॉइन्स बाय कर लेता है। वो प्राइस बढ़ाने के लिए अग्रेसिवली बाय करने लगता है। प्राइस बढ़ने से ऑब्वियसली और ज्यादा इन्वेस्टर्स इस कॉइन के बारे में जानने लगते हैं और डिमांड बढ़ने लगती है।
बहुत बार अपट्रेंड फेज में ही छोटे अक्यूमुलेशन फेसेस भी आते हैं, इससे रीअक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। यहाँ अपट्रेंड थोड़े टाइम पॉज हो जाता है और प्राइस फिर साइडवेज हो जाता है, लेकिन बाद में फिर से प्राइस बढ़ने लगती है और अपट्रेंड कंटिन्यू होता है। प्राइस बढ़ते रहने से बाकी इन्वेस्टर्स भी बाय करने लगते हैं और फाइनली मार्केट में कॉइन की हाइप बन जाती है। हर कोई इस कॉइन के बारे में बात करने लगता है। उस हाइप से फायदा उठा के कॉम्पोजिट मैन अपनी होल्डिंग्स बेचना स्टार्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हो जाता है। इस फेज में कॉम्पोजिट मैन प्रॉफिट बुक करता है और मार्केट में लेट आने वाले लोग फोमो में वो कॉइन्स बाय कर लेते हैं। अक्यूमुलेशन फेज की ही तरह डिस्ट्रीब्यूशन में भी मार्केट साइडवेज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉम्पोजिट मैन अपनी होल्डिंग्स धीरे धीरे बेचता है। कंटीन्यूअस सेलिंग से डिमांड कम होने लगती है और जब डिमांड काफी कम हो जाती है तो डाउन ट्रेंड फेज शुरू हो जाता है। इसमें अपनी होल्डिंग्स का बड़ा पार्ट प्रॉफिट में बेचने के बाद कॉम्पोजिट मैन अग्रेसिव सेलिंग करके मार्केट प्राइस नीचे ले जाता है। यहाँ पे सप्लाई डिमांड से काफी ज्यादा हो जाती है और लोग पैनिक करके लॉस में बेचने लगते हैं। मार्केट में इस फेज में फियर होता है जिसकी वजह से और भी इन्वेस्टर्स कॉइन बेचने लगते हैं। अब ट्रेंड के रीअक्यूमुलेशन जैसे ही डाउन ट्रेंड में रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज भी आ सकता है। ये शॉर्ट टर्म में प्राइस साइडवेज जाने से होता है और बाद में प्राइस फिर गिरने लगता है। काफी बार रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में डेड कैट बाउंस या बुल ट्रैप्स भी होते हैं, मतलब प्राइस थोड़ा बढ़ने लगता है और बायर्स ये सोच के फंस जाते हैं कि शायद अप ट्रेंड वापस आ जाए, लेकिन थोड़ा बढ़ने के बाद प्राइस नीचे आ जाता है और बायर्स को लॉसेस होते हैं। डाउन ट्रेंड के खत्म होने के बाद फिर नया अक्यूमुलेशन फेज शुरू हो जाता है और पूरी साइकिल रिपीट होती है। हमने कॉम्पोजिट मैन के काम करने का तरीका और वायकॉफ के मार्केट साइकिल में पैटर्न्स देख लिए, पर क्या ये काम करता है? तो चलो इस साल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। बिटकॉइन प्राइस मई के दूसरे वीक और पर्टिकुलरली 19th मई को काफी गिर गया था। उसके बाद से मार्केट साइडवेज था और बहुत लोगों को डर लगा कि प्राइस और ना गिर जाए, लेकिन ठीक तभी बिटकॉइन के प्राइस चार्ट पे वायकॉफ का अक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा था और उसे स्टडी करने वाले लोग पैनिक सेल करने की जगह बिटकॉइन को बाय कर सकते थे। ग्लासनोट की रिपोर्ट के डेटा से बाद में ये बात प्रूफ भी हो गई। जून के तीसरे वीक में जब बिटकॉइन 15% तक गिरा तो बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने 120,000 से ज्यादा बिटकॉइन बाय किए और उसी टाइम छोटे इन्वेस्टर्स ने पैनिक में 97,000 से ज्यादा बिटकॉइन बेच दिए। छोटे इन्वेस्टर्स ने फियर में काफी पैनिक सेलिंग की, जो वायकॉफ अक्यूमुलेशन पैटर्न में फेज ए होता है। इसके बाद प्राइस लंबे साइडवेज ट्रेंड में चला गया, जिसे फेज बी कहते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ कम प्राइस में बिटकॉइन बाय कर लिया। उसके बाद फेज सी में प्राइस एक लास्ट बार गिरा और उसके बाद से बढ़ता चला गया और अब तो बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई भी बना लिया। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100 साल पहले बना हुआ वायकॉफ मेथड आज भी काम कर सकता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा और रिचर्ड वायकॉफ के बारे में शायद पहली बार सुना होगा। जरूरी नहीं है कि हर मेथड हमेशा काम करे, लेकिन वायकॉफ जैसे बड़े रिसर्चर्स का मेथड सीखना हमेशा फायदे की बात होती है। वैसे क्रिप्टो में नए हैं तो कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी काफी फायदे की बात है, क्योंकि आपको क्रिप्टो का सारा ज्ञान यहाँ मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दैट इज मी अनुभूति साइनिंग ऑफ।